नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय गोविंद और स्वागत है आप सभी का जय गोविंद ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा कंप्यूटर क्लास का तीसरा दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसके पहले मैंने आपको कंप्यूटर फंडामेंटल का दो वीडियो करा दिया, जिसमें मैंने कंप्यूटर बेसिक्स बताया था और दूसरे में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी तुरंत प्लेलिस्ट में जाए और वहां से दोनों वीडियो को जरूर देखें। चलिए, आज का भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आता है कि जनरेशन का मतलब क्या होता है। तो जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में जनरेशन होता है कि पहले हमारे दादाजी थे, दादाजी के बाद हमारे पिताजी हैं और पिताजी के बाद अभी हम हैं, तो ये हमारी तीसरी जनरेशन हो गई। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी बात करें तो जनरेशन बाई जनरेशन जो हमारा है कंप्यूटर में कुछ कुछ चेंजेस होते गए और अभी जो है हमारे पास कौन सा जनरेशन चल रहा है, ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहें। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली मिलने वाले अपडेट्स मिलते रहें और आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज आता है हमारे पास कि जनरेशन का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर में जनरेशन कहें तो इन कंप्यूटर लैंग्वेज जनरेशन इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर में जनरेशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का सेट। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे कि कंप्यूटर के ग्रोथ करने में हमें हेल्प मिलती है, कि किस तरीके से कंप्यूटर का ग्रोथ करना है ये सारा कुछ जनरेशन के अंदर बताता है, या किस तरीके से कंप्यूटर का ग्रोथ अब तक हुआ है ये सब कुछ हम जनरेशन के अंदर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा आ रहा है देयर आर टोटली 5 कंप्यूटर जनरेशन टिल टुडे, यानी कि अभी तक कंप्यूटर के 5 जनरेशन आ चुके हैं, यानी अभी जो हम जनरेशन में जी रहे हैं वो हमारे पास 5वां जनरेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, अगर फर्स्ट जनरेशन की हम बात करें तो इसका ड्यूरेशन था 1942 से 1955 तक। मेनली ज्यादातर लोग आपको बहुत जगहों पे आपको पढ़ने को मिलेगा ये डेट 1954 रहता है, लेकिन 1955 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था हमारा सेकंड जनरेशन, इसलिए हम मान के चलते हैं कि 1942 से 1955 तक हमारा फर्स्ट जनरेशन था। फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे और लार्ज अमाउंट में वैक्यूम ट्यूब्स उसमें होते थे। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये हमारा वैक्यूम ट्यूब का पिक्चर है और यही वैक्यूम ट्यूब से पूरे कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ होता था। आगे बात करते हैं। तो ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस वीडियो आर पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पिछला वीडियो जो कि हमने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपने जो भी हिस्ट्री पढ़ा था वो सारा हमारा फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप पिछला वीडियो जाकर जरूर देखें। वहां पे A to Z मैंने हिस्ट्री आपको कराया हुआ है, जिससे कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इट स्टार्टेड विथ ENIAC एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वो ENIAC के साथ ही स्टार्ट हो चुका था, जो कि हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। मैंने पिछले वीडियो में ही आपको ये चीज करा दिया है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है यूज्ड एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे उनका यूज हम कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में ही करते थे। द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग वॉज वेरी स्लो, उन सारे कंप्यूटर्स का जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो बहुत ही स्लो था। यहाँ पे बात करें तो मिली सेकेंड्स में हम उसका यूज करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं तो पंच कार्ड्स वर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट लेने के लिए पंचिंग कार्ड का यूज होता था। पंच कार्ड पे हम इनपुट लिख करके डालते थे और वो प्रोसेसिंग होने के बाद उसी पंच टेप के द्वारा पंच कार्ड पे हमें आउटपुट भी उसका मिल जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टू बल्की इन साइज एंड कॉम्प्लेक्स डिजाइन एंड रिक्वायर्ड, यहाँ पे दोनों एक ही में हो चुका, आप लोग अलग अलग लिखिएगा। लार्ज रूम्स टू प्लेट इट प्लेस इट, यानी कि जो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता था ये बहुत ही ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग होता था। इस कंप्यूटर को रखने के लिए हमारे पास एक बड़ा सा हॉल या बड़ा रूम होना चाहिए था, उसके अंदर में इस कंप्यूटर को रखते थे। और इसका डिजाइनिंग इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसके हार्डवेयर मेंटेनेंस में भी हमें दिक्कत होती थी। साथ ही इस डिवाइसेस के हार्डवेयर को हमें कंटिन्यू रिक्वायर्ड होता था कि उसको मेंटेन किया जाए, अगर हम मेंटेन करना छोड़ दें तो डिवाइस हमारी खराब हो जाती थी। जनरेट मच हीट सो मच एयर कंडीशनर रूम्स आर रिक्वायर्ड,
और हार्डवेयर मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड इसलिए पड़ती थी क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हीट को जनरेट करते थे। और यही कारण था कि वहां के जो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे वो गल जाते थे और खराब हो जाते थे, जिसकी वजह से उसका कंटिन्यूअस हार्डवेयर मेंटेनेंस की जरूरत होती थी। साथ में बड़े से कमरे में हमें इस कंप्यूटर को रखने के साथ साथ वहां पे एयर कंडीशनर रूम की भी रिक्वायर्ड होती थी, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा हीट है वो हमारे न्यूट्रिलाइज हो जाए। नेक्स्ट बात करें तो कमर्शियल प्रोडक्शन इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो कमर्शियल प्रोडक्शन था वो बहुत ही मुश्किल था और कॉस्टली भी था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि ये इतना बड़ा साइज था कि इसको हम आसानी से बेच तो नहीं सकते थे और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता था। नेक्स्ट बात करें तो डिफिकल्ट टू कॉन्फिगर एंड टू रिमूव द एरर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में अगर कोई एरर्स हो जाए या फिर कॉन्फिगर करना हो तो इन सारे काम के लिए हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि इसका साइज ही इतना बड़ा था कि उसमें हमें बॉक्स ढूंढने के लिए, एरर्स ढूंढने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। प्रोग्रामिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग था वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, और साथ ही ये केवल एक सॉल्यूशन को, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें एक टाइम पे देता था, ना कि आज जो हम मल्टी वर्किंग करते हैं कि एक साथ बहुत सारे हम काम कर ले, वो यहाँ पे नहीं होता था। यहाँ पे एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मिला, उसके बाद ही आप दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं तो ओनली मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज वॉज यूज। उस समय केवल मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज का ही यूज होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स की बात करें तो पिछले वीडियो में आपने जो जो पढ़ा था, ENIAC, ENSRD, ये सारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमारे फर्स्ट जनरेशन जैसे ही खत्म हुआ वहां से स्टार्ट हो गया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इसका ड्यूरेशन 1955 से लेकर 1964 तक चला। इसके टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स को हटा करके ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था, और ये ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारे इस तरीके के होते हैं, जबकि यहाँ पे जो वैक्यूम ट्यूब्स था वो थोड़ा सा उसका डिजाइनिंग भी बड़ा था और वैक्यूम ट्यूब्स में ज्यादा लगाने पड़ते थे। इसकी बात करें तो IBM सीरीज जो आपने पढ़ा था, IBM के जितने भी सीरीज कंप्यूटर थे, IBM 1401 हो गया जो 1958 में लॉन्च हुआ था, IBM 1620, 7090, 794, 7941, 7942, कंट्रोल डेस्टा कॉरपोरेशन जिसको CDS 1604 के नाम से भी जाना जाता है, ये सारे कंप्यूटर्स हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में इन सारे कंप्यूटर्स का हम यूज करते थे। नेक्स्ट हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, और यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन ही लिखा है इसे आप लोग सेकंड जनरेशन कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे अगर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया था 14 वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पे, यानी जो वैक्यूम ट्यूब्स हम यूज करते थे उस 40 वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पे एक ट्रांजिस्टर ही काफी था। यही कारण था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर हमारा 10 गुना छोटा हो गया था, साथ ही ये कम पावर कंज्यूम करता था, हीट भी कम प्रोड्यूस होता था इससे, और ये कैलकुलेशन के टाइमिंग को भी कम कर दिया। फर्स्ट जनरेशन में मैंने बताया था कि वो मिली सेकेंड लेता था, और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर माइक्रो सेकेंड में ही हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करके आंसर दे देते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को कॉन्फिगर करना इजी था, ये इंफॉर्मेशन के लिए भी ज्यादा रिलायबल था, और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमने हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया था, जैसे कि फोरटान, एल्गोल एंड कोबोल। ये सारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के स्टार्टिंग आते आते ये सारे लैंग्वेज भी बन गए, और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में इन सारे लैंग्वेज का ही यूज हुआ। साथ ही सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में लार्ज और फास्ट प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज का भी यूज हुआ, जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में नहीं था। इसके बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट वही रिपीटेड है। सेकंड बात करें तो न्यू प्रोफेशंस लाइक प्रोग्रामर्स एंड सिस्टम एनालिस्ट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आने के साथ साथ ही नए नए प्रोफेशन का भी डेवलपमेंट हुआ, एक तरह से कह सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रामर्स नए नए आए जो कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में प्रोग्राम्स लिखने का काम किए हैं, सिस्टम एनालिस्ट, यहाँ पे ये सारे जॉब जो हैं इमर्ज हुए उस टाइम पे। एकेडमिक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस वर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड।
इस पीरियड के समय जो सेकंड जनरेशन का पीरियड था हमारा, इस पीरियड में एकेडमिक प्रोग्राम्स का भी कंप्यूटर साइंस में स्टार्ट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन भी इसी समय से स्टार्ट हो चुका था, और इसके बाद में अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनने भी स्टार्ट हो गए। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में मैग्नेटिक डिस्क का यूज हुआ, मैग्नेटिक टेप्स और ड्रम्स का यूज हुआ, जो कि सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज करते थे। और इस समय हमारी जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो 100 KB थी, और 100 KB का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, तो 100 KB में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने हमारे बाइट होंगे। साथ ही सेकंड जनरेशन का हमने कॉमर्शियल यूज भी बहुत ज्यादा किया, क्योंकि ये 10 गुना तक इसके साइज छोटे हो चुके थे, तो ये आसानी से हम सेल भी कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। तो जैसे हमारा सेकंड जनरेशन खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुई थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन का ड्यूरेशन जो था वो लगभग 10 सालों तक चला, 1965 से लेकर 1975 तक। और इसमें जो हमने सेकंड में यूज किया था उससे भी हमने ट्रांजिस्टर को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे हम लेकर के आ गए इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ इस तरीके का सर्किट होता है जिसमें कि ट्रांजिस्टर्स को उसमें फिट करके अलग अलग सर्किट में बना दिया जाता है। यहाँ पे जो वायर्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं इनविजिबल वायर होते हैं। इसकी बात करें तो IBM का ही कुछ सीरीज था, फिर PDB था, ICL था, हनीवेल 6000 सीरीज, साइबर 175, स्टार 100, ये सारे एग्जांपल्स है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर आईसीज वर यूज्ड फॉर इंटीग्रल ऑपरेशन ऑफ CPU। ट्रांजिस्टर हटा करके हमने थर्ड जनरेशन के CPU में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया। इनिशियली दीज वर यूजिंग स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप, और स्टार्टिंग में हमने स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया जिसमें कि एक चिप पर 10 ट्रांजिस्टर होते थे, लेकिन बाद में चेंजेस आते आते लगभग 5-6 सालों के बाद में उस स्मॉल स्केल को हटा करके यहाँ पे मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, जिसमें कि 10 ट्रांजिस्टर की जगह पे 100 ट्रांजिस्टर एक चिप के अंदर में यूज किया जाने लगा। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर मेमोरीज का भी यूज किया जाने लगा। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि जब ट्रांजिस्टर को हम एक सर्किट के ऊपर बना देते हैं तो उसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है, जो कि सिलिकॉन का बना होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेमोरी के लिए यहाँ पे इंक्रीज कर गई, जबकि सेकेंड जनरेशन में आपने देखा था केवल सेकेंडरी मेमोरी हमारा इंक्रीज हुआ था। इसके साथ ही मेमोरी कैपेसिटी अब हमारी 100 MB हो गई थी, जबकि सेकेंड जनरेशन की मेमोरी कैपेसिटी मैंने आपको 100 KB बताया था, KB, लेकिन यहाँ पे अब KB से बढ़कर हमने मेगाबाइट पे आ गए। और 1 MB का मतलब होता है 1000 KB, और 1 KB का मतलब होता है 1000 बाइट। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मेमोरी हमारी कितनी ज्यादा हो गई थी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज की हुआ, जैसे कि कोबोल और फोर्टन इस समय भी अलाउड थे, और इसी पे प्रोग्राम्स को लिखे जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी इमर्ज हुआ। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो जैसे कि हमें डेटा को मेंटेन करना होता है हॉस्पिटल्स में, मान लेते हैं कि पेशेंट्स के नेम है, उनके डिटेल्स को फिल करना है, तो सारे एक डेटाबेस में हम लोग तैयार करते हैं, तो वो थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो चुका था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के साइज और कॉस्ट में भी रिडक्शन हुआ, क्योंकि इसका साइज छोटा हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर हटा करके इंटीग्रेटेड सर्किट ला दिया। साथ ही साइज कम होने की वजह से इसका कॉस्ट भी जो है वो कम हो गया। यहाँ से नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ, यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से ही हमारी नेटवर्किंग स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट बात करें तो CPU आर नाउ एबल टू कैरी 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। थर्ड जनरेशन के जितने भी CPU बने वो सारे मिनिमम 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड के अंदर कर सकते थे, यानी 1 सेकेंड में 1 मिलियन काम वो आपको करके ला सकते थे। इतने कैपेसिटी हमारे कंप्यूटर की बढ़ गई थी थर्ड जनरेशन आते आते। नेक्स्ट बात करें तो मेन फ्रेम्स वर द हाईलाइट ऑफ दिस जनरेशन। इस जनरेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट था। मेन फ्रेम कंप्यूटर कंप्यूटर का एक टाइप है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में कराने वाला हूँ। अगले वीडियो आप नहीं छोड़िएगा, वहां पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कराने वाला हूँ, जिसमें आप मेन फ्रेम कंप्यूटर भी पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैसे मेमोरी वॉल ऑल्सो इनकॉर
इंकॉर्पोरेटेड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कैशे मेमोरी का भी जो कंसेप्ट है वो इंकॉर्पोरेट हुआ। और कैशे मेमोरी होती है जो हम राइटिंग के समय मेमोरी यूज करते हैं, यानी जब हम काम कर रहे होते हैं तो काम के समय कितने मेमोरी को हम एलोकेट करते हैं अपने काम को करने के लिए, वो कैशे मेमोरी में एलोकेट होता है। तो उसका कॉन्सेप्ट भी वहां से इवॉल्व हुआ। रिलायबिलिटी, इफिशियंसी और स्पीड भी हमारे थर्ड जनरेशन में काफी ज्यादा सुधार हुआ और काफी स्पीड हमारे हो गए थे। बिजनेस एप्लीकेशन वर नाउ क्विकली मूविंग टुवर्ड ऑटोमेशन। जितने भी बिजनेस एप्लीकेशन थे वो सब अब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे थे। अब हमारे जो भी इस जनरेशन के कंप्यूटर थे वो काम को ऑटोमेटिक करते थे, यानी इसमें प्री प्रोग्राम रिटर्न होता था और इस प्रोग्राम के बेसिस पे हमारे सारे काम हो जाते थे। मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम वर इंट्रोड्यूस। थर्ड जनरेशन आते आते मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन हुआ। और थर्ड जनरेशन खत्म होते ही हमारा अब स्टार्ट हुआ फोर्थ जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन का पीरियड जो था 1975 से लेके 2002, यानी लगभग 25 से 27 सालों तक चला था। और इन 25 से 27 सालों में हमने अब इंटीग्रेटेड सर्किट के जगह पे लाया माइक्रो प्रोसेसर चिप। यहाँ पे मोटोरोला 68000 सीरीज, इंटेल सीरीज, आईबीएम 3090/600, आईबीएम ES9000, ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं ये सारे हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। द माइक्रो प्रोसेसर ब्राउट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वर बिल्ट इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो हमने इस चिप का यूज किया, जो यहाँ पे आपको चिप दिख रहा है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में अब हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे वो हजारों की संख्या में इस छोटे से माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर ही थे। आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा प्रोग्रेस हमारे हो गए। फर्स्ट जनरेशन जो कि एक रूम के बराबर था, उस रूम से हम सबसे पहले ट्रांजिस्टर पे आए, उस ट्रांजिस्टर का यूज हमने किया एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाकर, और उस इंटीग्रेटेड सर्किट, हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट को हम एक छोटे से इस चिप पर लेकर के आ गए। अभी जो आप माइक्रो अपना चिप देखते हैं, जो भी आप फोन में चिप लगाते हैं उसी चिप से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो कितना छोटा अब हमारे पास हो चुका है। तो ये जो कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है ये भी उसी हिसाब से हमारा बहुत ज्यादा छोटा हुआ। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, देयर वर रैपिड इंप्रूवमेंट्स इन द चिप टेक्नोलॉजी। इन द इनिशियल ईयर्स इंस्टेड ऑफ एमएसआई दिस कंप्यूटर्स यूज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स दैट वर हैविंग अराउंड 1000 ट्रांजिस्टर पर सेकेंड्स। अभी आपने पढ़ा था पिछले जनरेशन में कि वहां पे स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज हुआ, उसके बाद में मीडियम साइज इंटीग्रेटेड का यूज हुआ, लेकिन फोर्थ जनरेशन में हमने मीडियम को हटा करके लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया, जिसमें कि 1 या 100 नहीं बल्कि 1000 ट्रांजिस्टर पर सिंगल चिप के अंदर होते थे। इन द लेट 80s दिस कंप्यूटर वर यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स दैट वर हैविंग अराउंड 5000 ट्रांजिस्टर इन अ चिप। इस बाद में यहाँ पे आगे बढ़कर और भी ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट हुआ और 1000 ट्रांजिस्टर की जगह पे अब 5000 ट्रांजिस्टर एक सिंगल चिप के अंदर हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। द इमर्जेंस ऑफ प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप हैज फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप टू अराउंड 55 लाख। यानी कि हमने स्टार्ट किया था 10 ट्रांजिस्टर से, 10 से हम 100 पर आए, 100 से यहाँ हमने 1000 लाए, 1000 से 5000 और उसके बढ़ाकर हमने 5 लाख ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप के ऊपर में यूज किया। आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया। इसके बाद बात करें तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो डिस्क, टच स्क्रीन स्कैनर, डिजिटल कैमरा, वेब कैम्स, हाईली इंप्रूव प्रिंटर्स बिकम वेरी कॉमन। फोर्थ जनरेशन आते आते हमारे पास अब इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्कैनर, प्रिंटर, ये सारे डिवाइसेस भी आ चुके थे और फोर्थ जनरेशन में सारे डिवाइसेस का यूज करने लगे। सेपरेट प्रोसेसर आर यूज फॉर डिफरेंट प्रोसेसर लाइक आईओ प्रोसेसर, ग्राफिक प्रोसेसर एक्सेट्रा। हम अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग प्रोसेसर का यूज करने लगे, जैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ग्राफिक्स प्रोसेसर। और फोर्थ जनरेशन में ही हमारे ग्राफिक यूजर इंटरफेस का भी इंप्रूवमेंट हुआ था। द साइज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इंक्रूज मैनी फोल्ड विथ इंप्रूवमेंट इन द स्टोरेज डिवाइस। नाउ हार्ड डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडिया फॉर स्टोरेज।
फोर्थ जनरेशन आते आते अब हमने फ्लॉपी डिस्क को हटा करके वहां पे हार्ड डिस्क को लाए, और अब जो मेमोरी का साइज था वो 100 GB हो चुका था, और 1 GB में 1024 MB होते हैं। तो हमारा जो था पहले KB से MB, और MB से अब हम GB में स्टोर करने लगे डेटा को। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग इवॉल्व। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग भी इवॉल्व हो गए। एक्सट्रीमली पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर आर नाउ पार्ट ऑफ एवरी होम, मल्टीमीडिया वर्क स्टेशन इमर्ज। अब जो पर्सनल कंप्यूटर था वो हर एक घर का पार्ट हो चुका था, हर घर में अब पर्सनल कंप्यूटर आ चुके थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा सस्ता भी था और साइज में भी बहुत ज्यादा छोटा था। अभी जो कंप्यूटर आप यूज करते हैं फोर्थ जनरेशन के भी साइज उसी तरह से था। मल्टीमीडिया वर्क स्टेशन भी इस समय इमर्ज हो चुका था, यानी कि अब लोग वीडियो ऑडियो ये सारे चीजों पे बात कर सकते थे, ये सारे कुछ आसानी से अब कंप्यूटर के अंदर देख सकते थे। ये उनके लिए करना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका था। सुपर कंप्यूटर्स आर हैविंग द स्पीड अप टू 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और फोर्थ जनरेशन में जितने सुपर कंप्यूटर बनाए गए उन सब का स्पीड 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो गया, यानी कि 1 सेकंड में वो 1 बिलियन कामों को आसानी से कर सकते थे। इतना ज्यादा सुपर कंप्यूटर के स्पीड को फोर्थ जनरेशन में बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट बात करें फोर्थ जनरेशन में, तो द साइज एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। लैपटॉप हैंडल कंप्यूटर्स एग्जाम्पल्स ऑफ द मैन्युफैक्चराइजेशन इन कंप्यूटर फॉर फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन आते आते हैं साइज के साथ साथ कॉस्ट में भी काफी ज्यादा गिरावट हुई, और पहले की अपेक्षा अब हमारे कंप्यूटर काफी ज्यादा सस्ते मिलने लगे। और इस समय तक लैपटॉप और हैंड हेल्प ये सारे चीजों मोस्ट कॉमन हो गया, ज्यादातर लोग इसको यूज करने लगे और ज्यादातर लोगों ने इसे अपने पास खरीदना शुरू कर दिया। द वे वी डू प्रोग्रामिंग हैज ऑल्सो चेंज इन द इनिशियल ईयर्स विद द सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी चेंज टू स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी इन द लेटर ईयर्स विद सी प्लस प्लस एंड जावा। नाउ वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैनी इंटरेक्टिव लैंग्वेज लाइक विजुअल बेसिक, विजुअल सी प्लस एंड विजुअल एस फॉर जावा ऑल्सो बिकम पॉपुलर। अब जो हमने स्टार्टिंग के कंप्यूटर में यूज किया था कोबोल, फोरटन, उन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हटा करके अब हमारे पास आया सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज धीरे धीरे चेंज होते गया, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। सी के बाद सी प्लस प्लस आया, उसके बाद जावा आया, और अब हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की तरफ बन रहे थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आने के साथ साथ ही बहुत सारे इंटरेक्टिव लैंग्वेज भी आए, जैसे विजुअल बेसिक, विजुअल सी प्लस प्लस, विजुअल एस, और अभी आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है विजुअल बेसिक का यूज किया जाता है, और उससे भी ज्यादा पॉपुलर अब पाइथन हो चुका है। आपके लैंग्वेज में हम पाइथन यूज करते हैं, लेकिन फिर भी सी बे लैंग्वेज जो होता है ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे बेस्ट लैंग्वेज है और बेसिक लैंग्वेज है। इसके बाद बात करें आगे तो एडवांस डेटाबेस इनकॉर्पोरेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड हैविंग यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल मेन्यू बिकम प्रीवेलेंट। अब एडवांस डेटाबेस हमारे पास आ चुका था, और सबसे अच्छा हमारे पास अब GUI का कॉन्सेप्ट भी आ चुका था, यानी कि अब आप आइकन्स पे माउस के क्लिक से यूज कर सकते थे, बट इसके पहले आपके पास आइकन्स नहीं होते थे। आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे उसे आपको रिटर्न देना होता था, और उसका आउटपुट आपको रिटर्न मिलता था। लेकिन फोर्थ जनरेशन में आप माउस से क्लिक करके अपना काम को आसानी से कर सकते थे, जो कि नॉर्मल यूजर को चलाना भी आसान हो चुका था। विथ एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड द कंबाइनिंग ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर्स चेंज द वे ऑफ लाइफ, द वे ऑफ डूइंग बिजनेस हैज चेंज, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल फॉर्म इज इवॉल्विंग। जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडवांस होते गए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया, हमारे पास इंटरनेट आया, तो लोगों के जीने का तरीका चेंज हो गया, बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया, और एक डिजिटल फॉर्म इवॉल्व हुआ। यहाँ से लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होना शुरू हुए, और अब काफी ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, और लगभग हर एक घर में अब कंप्यूटर आ चुका है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन, जो कि अब तक हमारे पास चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन 2002 से स्टार्ट हुआ, और अभी तक फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है, और अब फ्यूचर में अभी फिफ्थ जनरेशन ही चलेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो फिफ्थ जनरेशन में भी हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स का ही यूज करते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज होता है। अगर यू कहूँ मैं, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड सर्किट को भी काट सकते हैं, और वहां पे आप सिंगल लिख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट लिखा है इसे आप हटा दीजिए, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा माइक्रो प्रोसेसर चिप।
और यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी था तो माइक्रो प्रोसेसर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, और इस समय हमारे पास एआई आ चुका और अभी भी एआई पे डेवलपमेंट हो चुका है। अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि हमारे पास अभी चैट जीपीटी है जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और वो आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल गूगल की तरह ही देता है, जब और यू कहूँ तो गूगल से भी अच्छे तरह से वो समराइज करके आपको आंसर देता है। अब फिफ्थ जनरेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए गए जो कि वॉइस रिकॉग्निशन की तरह, जिसका यूज हम आज करते हैं, हम कोई भी कमांड बोल करके अपने फोन से लैपटॉप से करा सकते हैं। तो ये सारे फिफ्थ जनरेशन में एआई का कमाल है। द गोल इज टू डेवलप डिवाइसेज दैट रिस्पॉन्स टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में एआई लाने का कॉन्सेप्ट ये था कि डिवाइस को डेवलप किया जाए इस तरीके से कि वो नेचुरल लैंग्वेज का इनपुट लेकर खुद से सीखे और खुद को ऑर्गेनाइज करे, ये इनका मोटो था। नेक्स्ट बात करते हैं तो आईबीएम 370 सीरीज, सीडीसी 7600, पीडीपी 11, आईसीएल 2900 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, ये सारे जो हैं और ये थर्ड जनरेशन के एग्जांपल है, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे आ चुके हैं। और इसे काम करेंगे आप लोग, इसे काट देंगे, यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन के जगह पे ये थर्ड जनरेशन का एग्जांपल आ चुका है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया, जो कि अभी आपने पीछे देखा था लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें कि 5 लाख ट्रांजिस्टर एक सिंगल चिप के यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे अब 5 लाख को बढ़ा करके हमारे पास मिलियंस में सिंगल चिप के ऊपर में ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है, जो कि अभी हम कंप्यूटर यूज करते उसके अंदर होता है। इस कंप्यूटर्स की कैपेसिटी जो है वो 1 ट्रिलियन पर सेकंड हो चुकी है, यानी कि उतने कैलकुलेशन को वो 1 सेकंड के अंदर करके दे सकता है। मेमोरी साइज जो है वो 100 टेराबाइट हो चुकी है, और 1 टेराबाइट में 1024 GB होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो मैनी ऑफ एडवांस कंट्रीज आर डूइंग द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू दिस सैंपल सिस्टम हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड। दिस कंप्यूटर्स विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो दे मे आल्सो बी कॉल्ड एक्सपर्ट सिस्टम। कह रहा है कि इस अभी के समय में बहुत सारी एडवांस कंट्रीज जो हैं वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, वो एआई को और डेवलप कर रही हैं, और अभी जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही, इसीलिए उसे एक्सपर्ट सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि अपने कामों को खुद से कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इनपुट ऑफ दिस सिस्टम कैन बी थ्रू स्पीच एंड ग्राफिक्स, सिमिलरली द आउटपुट कैन बी टेकन एज स्पीच। अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट जो है वो हमें टेप पर नहीं मिलते, ना कि लिखित मिलते, अब हमें ओरली भी मिल जाते हैं। हम अपने कामों को बोलकर ग्राफिक्स की मदद से सिस्टम में पहचान सकते हैं, करा सकते हैं। दिस कंप्यूटर्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस एंड विल बी एबल टू कन्वर्ट वन लैंग्वेज फ्रॉम अनदर लैंग्वेज। इस कंप्यूटर जो है हमारे नेचुरल लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है, और अब हम अपने एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में आसानी से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अभी आप गूगल ट्रांसलेट का यूज करते हैं, ये सारे जो हैं इसी के एग्जाम्पल है कि हम कोई भी लैंग्वेज लिखे और उसको ट्रांसलेट भी करा सकते हैं, और आसानी से हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाता है। दीज कंप्यूटर्स विल बिकम मोर इंटेलिजेंट बाय द टाइम बिकॉज दे विल हैव सेल्फ लर्निंग टेक्निक। ये कंप्यूटर जो है वो दिन प्रतिदिन अपने आप को इंटेलिजेंट बनाते जा रहे हैं, क्योंकि ये सेल्फ लर्निंग टेक्निक कर रहे हैं, ये खुद से सीख रहे हैं। जो भी हम काम कराते हैं, अगर इन्हें नहीं आता है तो ये उसे सीखते हैं और दोबारा उस पे काम करते हैं। जेनेटिक प्रोग्रामिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोचिप्स, ह्यूमन लाइक्स, रोबोट्स विल बी द टेक्नोलॉजी दैट विल इवॉल्व। और फिफ्थ जनरेशन आने के साथ ही जेनेटिक प्रोग्रामिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोचिप्स और रोबोटिक्स, इन सारे का इवॉल्व हुआ, और अभी हमारे पास रोबोटिक्स सबसे ज्यादा आ चुके हैं। द कंप्यूटर्स विल बी पार्ट ऑफ मोबाइल फोन, हैंडहेल्ड डिवाइसेस लाइक वॉच एक्सेट्रा। और इस कंप्यूटर का यूज हम देखते हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन है, हैंडहेल्ड डिवाइसेस जैसे कि घड़ी, टैब्स, ये सारा कुछ हम यूज करते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब में सेंसर लगे हुए आ रहे हैं, ये सब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। तो इसी के साथ हमारा जनरेशन का वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉय। जय हिंद दोस्तों।